Yesterday we were doing the perception. Perception is what we see and how we perceive, right? हमने किस चीज को कैसे अंडरस्टैंड किया है और किस तरीके से इसको देखा, पहले देखना और उसको अंडरस्टैंड करना. अब हमारे गेस्टॉल्ट में कल मैंने क्लाइंट बोली थी, द होल इज मच मोर देन इट्स पार्ट्स. व्हाट डज इट मींस? सी, दिस इज अ वॉल, दिस इज वॉल इज अ होल, एंड इफ आई रिप्लेस दिस वॉल विद ब्रिक्स, सीमेंट, वाटर, रेत एंड एवरीथिंग, तो विल इट बी इक्वल? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं देगा. ये जो होल बन गया है, ये वॉल जो बन गई है, जो सारी चीजों से मिलके, वो बहुत कुछ ज्यादा है उन अलग अलग चीजों से, राइट? तो जो हमारा जो पूरा बनता है, अब एक हार्ट अलग से या लंग्स आपको अलग से मिले, तो क्या वो कुछ काम के हैं विदाउट द होल ह्यूमन बॉडी? नहीं है. इसी तरीके से जब भी हम कोई चीज को परसीव करते हैं, उसका जो पार्ट होता है ना, वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जब तक वो एक होल में नहीं आते, हम उसको एक होल में परसीव नहीं करते, तब तक उनकी एग्जिस्टेंस बहुत माइजर होती है. इट बिकम्स मच मोर व्हेन दे कम टुगेदर. ओके, नाउ देयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन एज गिवन बाय गेस्टॉल्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल सेज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी सेज दैट दिस इज अवर हैबिट टू परसीव द थिंग्स टुगेदर इफ दे आर कमिंग टुगेदर. अगर आपके स्कूल क्लास के अंदर, अब अपने क्लास को विजुलाइज करो, जहां पे आपके 6 चेयर टेबल्स की रोज है, जब आप 2-2 रोज इकट्ठे पास में चेयर टेबल कर लेते हो, तो आप क्या उसको 6 रोज बोलते हो या 3 रोज बोलते हो? 3 रोज, राइट? सिमिलरली आई हैव डन दिस, आई हैव प्लेस्ड दीस सर्कल्स टुगेदर. यू विल नॉट से दिस इज अ बॉक्स ऑफ 6x6, नहीं बोलोगे. तुम बोलोगे 3 रोज है, 2-2 सर्कल्स ईच की 3 रोज है या 3 कॉलम्स है, राइट? तो ये क्यों? क्योंकि हमने वो जो 2 इकट्ठे आए थे, आ रहे हैं इकट्ठे पास में, उनको इकट्ठा मान लिया, जो हम क्लासरूम में भी करते हैं. तो दिस इज अ होल पिक्चर. नाउ दे आर इक्वली स्पेस्ड. हम ये नहीं बोलेंगे एक सर्कल और एक स्क्वायर है जो कि 3 रोज है, 1 सर्कल एंड 1 स्क्वायर. विल वी से दिस? Will we say that we have a 6 rows of alternative circles and squares? No. We will group together the similar objects. हम जो similar है, ये जो similar है, उसको हम एक में group कर लेंगे और ये बोलेंगे कि ये इकट्ठे हैं. ठीक है? Objects similar in form or characteristics are grouped together. ठीक है? Rows of alternative square and circle नहीं बोलेंगे. One row of circle, वन रो ऑफ स्क्वायर, वन रो ऑफ सर्कल, वन रो ऑफ स्क्वायर. इसी तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं अपने माइंड के अंदर, जब हमें चीजें लेकर आनी होती है, हम ग्रुपिंग कर देते हैं अपनी लिस्ट की. ग्रोसरी शॉपिंग की इकट्ठी लिस्ट बनाएंगे, वेजिटेबल की अलग बनाएंगे, दूसरी चीजों की अलग बनाएंगे. वी टेंड टू डू द ग्रुपिंग राइट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. लेट्स टेक 1 पॉइंट पी एंड आई एम मेकिंग 4 सेपरेट लाइंस. दिस इज ए बी सी डी. तुमने मेरे को बनाते हुए देखा, तुमने ये देखा कि मैंने एक सेंटर में से 4 लाइनें खींची, राइट? नाउ अगर मैं इन सब को हटा रही हूं और अगर अभी तुम्हें से परसीव करने के लिए बोल रही हूं, तुमने से बनी हुई देखी है, तो तुम क्या बोलोगे? ए बी इज इंटरसेक्टिंग सी डी एट द पॉइंट पी. We tend to make the objects together, take the objects together if they are in continuity. Continuity में है तो हम इसको एक ही मान लेंगे. अब जैसे मैं बस अड्डे तक का रास्ता बताऊंगी, तो what I will say, from our school to bus adda, we will go left, then we will take at the T point we will take left, and at that T point we will take a right and then a left, and we will reach the bus stop. Do we take different points or do we consider it a continuous walk through? क्या करते हैं हम? उसको अलग 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 points लेते हैं, अलग अलग नहीं लेते हम, उसको एक पूरा एक रास्ता लेते हैं, यही रास्ता है ना? रास्ते को इकट्ठा लेते हैं ना, क्योंकि हमें एक point से दूसरे point को जोड़ रहा है वो. हम उसको ये नहीं बोलते यहाँ पे टूटेगा रास्ता, यहाँ पे, क्योंकि कोई ब्रेकेज है ही नहीं. ठीक है, तो उसको हम तोड़ तोड़ के नहीं लेंगे, इधर से सीधा जाना है और कोई रास्ता ही नहीं है. लेफ्ट मोड़ोगे तो और कोई रास्ता ही नहीं है,
फिर लेफ्ट मुड़ोगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, वही उसी रास्ते के साथ साथ चलना है, तो वो कॉन्टिन्यूस रास्ता बन जाता है ना। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई भी चीजें अगर एक लाइन में कॉन्टिन्यूस में हम उसको इकट्ठे ग्रुप करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री? प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री सेज जो चीज सिमेट्री है, यहां से मैंने यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, इधर स्लांटिंग लाइन है, यहाँ पे भी। वी विल टेक दिस एज एन ऑब्जेक्ट, ये फिगर लेंगे हम, और जो ये मेरा बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, दैट इज एसिमेट्रिकल, कहीं से ज्यादा बड़ा है, कहीं से कहीं छोटा है, वो मेरे सराउंडेड है, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सराउंडिंग बैकग्राउंड जो मेरा एसिमेट्रिकल है, और जो सिमेट्रिकल है वी विल कंसिडर एज अ फिगर। क्लियर? ऐसा ही होता है हमारे साथ। नाउ वी विल कम टू प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल। इफ देयर इज अ काइंड ऑफ अ फिगर दैट आई हैव मेड व्हिच इज स्मॉल, व्हाइट एरिया और ब्लैक एरिया, ब्लैक एरिया व्हिच यू विल टेक एज अ फिगर, व्हाइट एरिया और ब्लैक एरिया क्या बनाओगे इसको? बॉल भी बना सकते हो इसको, मैं क्रॉस भी बना सकती हूँ, ब्लैक कलर का क्रॉस, यस मैम, क्रिश्चियंस का राइट इन अ सर्कल, वो भी बोल सकती हूँ, बट व्हाट इज प्रोमिनेंट? ब्लैक इज प्रोमिनेंट, व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्मॉल एरिया एंड वी परसीव इट एज अ फिगर। क्लियर? नाउ प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, नाउ टेल मी व्हाट आर यू लुकिंग एट? फाइव फिगर्स, will you perceive it as five figures this lift? Yes ma'am. Yes, but I am covering it now, what it is? Single figure. Lift. LIFT. We will perceive because there is surroundedness. ठीक है, इसको हम अपने प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री की वजह से हम इसको पांच फिगर ले रहे हैं बेटा, ठीक है, वी आर नॉट परसीविंग इट एज लिफ्ट, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने कोई चीज को सराउंड कर दिया तो वो एक सेपरेट वो चीज बन जाती है, ठीक है, जैसे मैंने अब सराउंड कर दिया तो ये क्या बन गया? LIFT, लिफ्ट। ओके, द एरिया सराउंडेड बाय अदर्स कैन टू बी परसीव्ड टुगेदर। अब ये सराउंड हो गया ना, ये वाला जो चीज है वो सराउंड हो गया, ठीक है, अब मेरे को अंदर वाला, मैं इसको अलग परसीव कर सकती हूँ, लेकिन जब चीजें जब व्हाइट सराउंड कर रहा था तो मैंने क्या परसीव किया था? फाइव फिगर्स, और जब मैंने वो सराउंडेडनेस कट कर दी अपने ग्रीन पेन से तो क्या हो गया? लिफ्ट बन गया, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल नहीं था ज्यादा, लेकिन सराउंडेडनेस की वजह से वो फिगर कंसीडर कर रहे थे हम। अब फिगर कंसीडर करने के दो रीजन है, तीन रीजन है, एक तो स्मॉलनेस, दूसरा सिमेट्री, और तीसरा सराउंडेडनेस। नाउ लास्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, इट सेज व्हेन वी हैव अनइवन लाइंस व्हिच आर नॉट जॉइनिंग बट देन ऑल्सो वी क्लोज दोज स्पेसेस एंड वी मेक इट एज अ फिगर। Now what do we make it? Triangle. It's very simple. You do it all the time, but you are not understanding that this is a perception. Actually, it is not a triangle. Actually, it is three angles. Six lines making three angles. Mathematics वालों से पूछोगे तो angle है भाई, है ना? वो triangle नहीं बोलेंगे, लेकिन आम आदमी क्या बोलेगा इसको? Triangle. क्योंकि हमारा ये तरीका है, हम अपने उसी लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो परसेप्शन है, ये इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्चर्स, इन सबको वो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आता है, यूज करते हैं वो लोग। समझ में आया? कुछ कॉन्टिन्यूस लाइंस में होता है, कुछ चीजें वो लोग ब्रेक कर देते हैं, जो वो ब्रेक करते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस लाइन में लिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है वहां पे, तो वो इल्यूजन क्रिएट होता है, वो एक डिजाइन क्रिएट होता है जो पीपल एंजॉय लुकिंग एट। ओके, नाउ दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी परसीव द थिंग्स अराउंड अस। नाउ द परसेप्शन दैट इज इंपॉर्टेंट इज डेप्थ परसेप्शन। नाउ सी, डेप्थ इज हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड डेप्थ इज इनसाइड द थिंग दैट इज जेड एक्सिस।
राइट, दैट वो ही जेड एक्सिस। अब हमारी आंख का रेटिना टू एक्सिस के अंदर है या नहीं है? थ्री एक्सिस में तो नहीं है, टू एक्सिस में इमेज बनेगी उसकी, जो फोटो बनेगी। तो वो अगर हमें परसीव करनी है थ्री डी में, जैसे हम तुम लोगों को देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मैं तुम्हें थ्री डी में देख रही हूँ, तो हमारी आंखों को और हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि वही चीज जो मुझे टू डी में नजर आ रही है वो एक्चुअली थ्री डी में मैं देखूँ और इतनी अच्छी तरीके से देखूँ कि मुझे सारा वर्ल्ड अच्छी तरीके से नजर आए। राइट, फॉर दैट वी हैव टू क्लूज, वन इज मोनोक्लियर क्लूज एंड सेकेंड इज binocular view. What is depth perception? The process of viewing the world in three dimension. World को हम three dimension में देखते हैं तो उसको बोलते हैं depth perception, और वो दो तरीके के cues से होता है, monocular clues और binocular clues. Monocular clues वो होते हैं जो हमारी one eye से देखे जाते हैं, कौन से, जो eye particular एक eye से अलग दूसरी eye से अलग। बाइनोक्युलर क्लूज वो होते हैं, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ बोथ आईज। समझ में आ गया, दोनों आंखों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और वो बाइनोक्युलर क्लूज बनता है। आज की क्लास में हम करेंगे मोनोक्युलर क्लूज। नाउ दीज क्लूज आर यूज बाय आर्टिस्ट, वी मेक डेप्थ इन अवर पिक्चर्स, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ टेढ़ा कुछ मेढ़ा, कुछ दूर कुछ पास करने के लिए हम जो क्यूज यूज करते हैं, जो एक आंख से टू डायमेंशन पिक्चर में नजर आते हैं, वो होते हैं हमारे मोनोक्युलर क्यूज, और इसको यूज बाय आर्टिस्ट, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल क्यूज। राइट, दीज आर टू डायमेंशनल क्यूज। पहला है हमारा रिलेटिव साइज। व्हाट इज रिलेटिव साइज? देखो मैं इधर दूर खड़ी हूँ और मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो आई विल बी लुकिंग लाइक अ बिगर फिगर की लेडी है। अगर मैं पास आ गई, मैं बड़ी नजर आने लग गई तुम्हें, तो इसका मतलब क्या है, आई एम नियरर टू यू। और मैं अगर अब पीछे जा रही हूँ, मैं दूर से छोटी नजर आ रही हूँ अब कंपेरेटिवली, तो मैं क्या हूँ, आई एम फादर टू यू, मैं दूर हूँ। ओके, दिस डिफरेंस इज व्हाट टीचेस अस कि कौन सी चीज पास है कौन सी चीज दूर है। अब बॉल टेनिस की बॉल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, तो दूर कौन सी है पास कौन सी कैसे पता चलेगा? हमारा पास एक्सपीरियंस बताएगा कि एक्चुअली साइज ये है, तो ये इतनी दूर है तो ये मेरे बीच के एरिया में है, और वो इतनी सी नजर आ रही है तो वो बहुत दूर है। समझ में आया, पहला क्लू है हमारा रिलेटिव साइज। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग। नाउ व्हाट इज ओवरलैपिंग? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, नाउ माय फ्यू पार्ट्स मतलब जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं किससे, टेबल से। ठीक है, तो टेबल पास में है या मैं पास में हूँ, कौन पास में? टेबल। टेबल, क्योंकि टेबल मेरे आगे है तो वो तुम लोगों से पास में है, मैं थोड़ा सा और दूर हूँ क्योंकि मैं पीछे हूँ, मैं कवर्ड हूँ और ये कवर्ड नहीं है, तो ये आगे है और मैं पीछे हूँ। क्लू मिल गया, कौन आगे कौन पीछे, कौन दूर कौन पास। नेक्स्ट इज लीनियर पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट डज लीनियर पर्सपेक्टिव शोज? Linear perspective says that distant object seems closer. अब ये देखो, अगर ये parallel हमारी road है, तो भी हम दूर से पास में लाते हैं, तो वो ऐसे ही हो जाती है picture में। River को दूर से पास में ला रहे हैं, तो ऐसे ही हो जाती है। Railway track अगर मुझे इसके अंदर बनाना है, तो वो दूर जाती जाएगी, तो वो पास होती जाएगी। Yes, horizon converging together. Earth and sky never meets. They are parallel. But because of this perspective, linear perspective, we see earth and sky meeting at horizon. ठीक है, ocean और sky कभी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बीच पे खड़े हो और sunset के time पे या किसी भी time पे आप देखोगे, आपको ऐसे लगेगा उस कोने में earth और sky मिल रहे हैं, because it appears to be converging. ठीक है, यही वो चीज है, वो आते जाते हैं, पास में आते जाते हैं, पास में आते जाते हैं, और वो टेंड्स टू कन्वर्ज। नेक्स्ट इज एरियल पर्सपेक्टिव। नाउ व्हाट इज एरियल पर्सपेक्टिव? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, एयर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, डस्ट है एयर के अंदर, पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं, मॉइस्चर भी होते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं, इम्प्योरिटीज भी होती हैं और दूसरी चीजें होती हैं। तो जब हमारा एयर है चारों तरफ, उसके अंदर जितना डस्ट लेवल होगा उस हिसाब से हमारा हेजी हो जाएगा,
डस्ट पार्टिकल ज्यादा है तो दूर की चीजें हमें ज्यादा हेजी नजर आएंगी, और अगर हमारा वो क्लियर है एयर तो वो चीजें हमें पास में नजर आएंगी, क्योंकि क्लैरिटी है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जब वो क्लियर नजर आ रहा है तो हमें क्या लगेगा, वो पास में। और जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी तो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, वो उन पार्टिकल से टकरा टकरा कर, और वो हमें माउंटेन्स क्या लगेंगे, ब्लू लगेंगे, और दूसरे पार्टिकल्स क्या लगेंगे, हेजी लगेंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो वो चीजें दूर की चीजें हमें हेजी नजर आती हैं, और उसी डिस्टेंस के अंदर चीजें हमें क्लोजर नजर आती हैं जब एयर हमारी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट एंड शेड। नाउ यू कैन सी दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट एंड शेड, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ लाइट कमिंग एंड द शेडो कमिंग। ओके, लाइट और शेडो आती है हर एक के अंदर से, हमारी शेडोज वैसे भी बनती है, शेडोज से भी हमारा पता चल जाता है कि वो बंदा दूर खड़ा है, पास खड़ा है, टाइम क्या चल रहा है, लंबी वो शेडो बन रही है तो मॉर्निंग का टाइम होगा, सर उठ, इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि कहाँ से लाइट आ रही है, हमें ये पता चलता है कि बंदा कैसे खड़ा हुआ है। तो हमें टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन तक की मूवमेंट के अंदर लाइट एंड शेडो का प्ले होता है। ठीक है, और ज्यादा मैं दूर होती जाऊंगी तो डार्कनेस में आती जाऊंगी, जो करीब होगा वो लाइट नजर आएगा। ठीक है, दूर के ट्रीज हमें डार्क नजर आते हैं ना, और जो पास के ट्रीज होते हैं वो लाइट कलर के नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट शेडो एंड डार्कनेस ओनली। नेक्स्ट इज रिलेटिव हाइट। अगेन मैं आपके पास में खड़ी हूँ, यू विल फील मी एज अ टॉल लेडी, बट इफ आई एम स्टैंडिंग वेरी वेरी फार अवे आई विल लुक लाइक अ वेरी स्मॉल लेडी। ओके, अब ट्रीज आप बनाते हो, पास वाला तो इतना बड़ा ट्री बनाते हो, दूर तो इतने छोटे छोटे माउंटेन्स के पास ट्रीज बनाते हैं, क्यों? क्योंकि दूर वाली चीज छोटी नजर आती है, हाइट में भी, साइज में भी नजर आती है छोटी, और हाइट में भी छोटी नजर आती है। नेक्स्ट लास्ट इज टेक्सचर ग्रेडियंट। नाउ थिंक अबाउट द ब्रिक्स, जब ब्रिक्स सामने होंगे तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अब यही वाले ब्रिक्स मैं दूर लेकर जा रही हूँ, ठीक है, तो अब मेरी ये ऐसे पैरेलल लाइन कन्वर्ज होती नजर आएंगी, और ये जो मेरी ब्रिक्स की जो साइज है वो ऐसे ऐसे होती जाएगी। Yes, तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे या यहाँ पे? In the beginning. यहाँ पे डेंसिटी है ना, पास पास में ऑब्जेक्ट होना, डेंसिटी वो होती है ना कितना पास में है, तो वो दूर से नजर आती है ना, दूर वाली डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है, ये खुला खुला नजर आ रहा है, मतलब ये डेंसिटी कम है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक मोशन पैरेलल्स इन माय नेक्स्ट क्लास विद बायनोक्युलर। ओके, motion parallax is also a monocular clue. Now what is motion parallax? Actually it is not considered to be the pictorial clue. क्योंकि motion में है, तो picture में आप motion नहीं दिखा सकते, तो इसलिए वो pictorial clue में नहीं आता, इसीलिए मैंने उधर छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे pictorial clue देख रहे थे। अब ये क्या है, kinetic clue. Why we are seeing kinetic clue? क्योंकि ये movement की वजह से है। अगर हमारी दो cars हैं वो same direction में जा रही है और हम एक कार में बैठे हैं तो दूसरी स्लोअर नजर आती है, क्योंकि हमारी स्पीड और उसकी स्पीड के अंदर कंपैरिजन हम देखते हैं तो हमें स्लोअर नजर आती है। लेकिन जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन से वो कार आ रही होती है तो हमारी अपनी स्पीड और उसमें उनकी स्पीड प्लस हो जाती है और वो हमें फास्टर नजर आती है। तो ये जो चीज है ये हमारा मोशन पैरेलल्स है। तो जो पास में आता जाता है तो वो तो ऐसे लग रहा होता है कि मतलब ये हमें पास से जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन दूर से जब आ रहा होता है तो हमें लगता है वो बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से हमें लगता है कि एकदम से सामने आ रहा है, लेकिन इधर से निकलता है तो हमें लगता है पास धीरे धीरे है। तो ये दो तरीके की चीजें होती है एक, ठीक है। इसके बाद है हमारा बायनोक्युलर क्लूज दैट आर विजुअलाइज्ड बाय बोथ आईज eyes. Now what is this binocular clue? See beta, when we are talking about both the eyes, you have to understand that eye के अंदर हमारा retina होता है और retina पे हमारी image बनती है. Retina में दो spots होते हैं, एक होता है blind spot और एक होता है fovea. Okay, जो fovea वाला जो point है जहाँ पे सबसे ज़्यादा clarity of image है, अगर आपकी image fovea में बनती है आपको बहुत ज़्यादा clear नज़र आएगा.
ब्लाइंड स्पॉट पे नजर आए होगा तो वहां पे आपको कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि वहां से हमारा न्यूरल नर्व शुरू होती है, न्यूरल सेल्स शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है। ऑप्टिक नर्व जहाँ से शुरू होगी वहाँ पे तो नर्व सेल्स है ना, वहाँ पे तो हमारे रॉड्स एंड कॉन्स जो हमारी इमेज बनाने में रेटिना के जो सेल्स हैं वो नहीं है, ठीक है, तो उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो अब ये देखो कि हमारी दो आंखें हैं, दोनों आंखों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारी आंखों के अंदर यहाँ पे सेंटर में जो पुतली है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मेरी एक इमेज बन रही है वो इधर बन रही है, दूसरी इमेज बन रही है वो मेरी इधर बन रही है, राइट। तो अब दोनों इमेजेस जितनी दूर होंगी, मैंने कितना बोला है लार्ज डिस्पैरिटी, मतलब ऑब्जेक्ट्स क्लोजर है। अब मैं इधर तुम्हारा देख रही हूँ, इस आंख से मुझे इसकी ये नोज इधर नजर आ रही है, ठीक है। अब मेरे को इधर से देखूंगी तो तेरी नोज इधर आ रही है, अब मैंने इधर शिफ्ट किया अपना पेन, तो इसका मतलब क्या है, आप भी अपने हाथों से करके देखो, मेरे को देखो एक आंख से आपका कहाँ पे आपकी मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है करके देखो, पेन लगा कर देखो, पेन से पता चलेगा, मेरे नोज के ऊपर देखना। तो ये जो डिस्पैरिटी होती है जिसमें मूवमेंट हमने करी है अपनी आई पेन की मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा इतनी दूर हमारी बन रही है, तो मैंने इतना करा तेरे लिए, तो ये जो कैलकुलेशन है हमारा ब्रेन कर लेता है कि ये कितनी दूर है, ये 2-3 मीटर दूर है या बहुत ज़्यादा दूर है। जितना मैं पास में आती जाऊँगी उतनी डिस्पैरिटी ज़्यादा होती जाएगी, और जितना दूर जाऊँगी वो डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो इमेज बहुत दूर से बन रही है तो वो क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो होता है डिस्पैरिटी का, जितना लार्जर डिस्पैरिटी कब शो करता है, जब ऑब्जेक्ट क्लोजर होता है, और लेस डिस्पैरिटी शो करता है जब ऑब्जेक्ट फादर होता है, और ये कैलकुलेशन कौन करता है, हमारा ब्रेन, राइट। नाउ कन्वर्जेंस, नाउ टेक अ पेन और सब अपनी आंखों को ऐसे इसके पास में लेकर आओ, आप देखोगे कि आपकी आंख, मेरी आंख भी नाक की तरफ जा रही है, ये जो आंख हमारी नाक की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस, आईज कन्वर्जेस इनसाइड दैट इज टुवर्ड्स द नोज टू मेक द इमेज ऑन द फोविया, ब्राइटेस्ट पॉइंट के ऊपर बनाने के लिए। अब देखो आप अगर नहीं करते ना कन्वर्ज तो ये धुंधला नजर आने लगता है जितना पास में हो जाता है, आप इसको करते जाओगे तो क्लैरिटी नजर आती रहेगी, ठीक है। तो ये कन्वर्ज हो गया, आंखें ब्लर हो गया लेकिन आंखें तो अंदर जा रही है ना, ठीक है। तो वो जो चीज आपकी एकोमोडेट कर रही, कन्वर्ज करके वो पकड़ने की कोशिश कर रही है ना इमेज को, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रही है तो आपका वो आएगा धुंधलापन आएगा, लेकिन आई तो कन्वर्ज हो रही है। ये ब्रेन हमारा फिर कैलकुलेट करता है कि इतनी कन्वर्ज हो रही है तो इसका मतलब ये इतनी पास में आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वो उसको ले लेता है बहुत पास में, राइट। और जितना दूर जाता जाएगा कन्वर्जेंस वही नहीं, मुझे सारे इकट्ठे नजर आएगा, मेरा विजुअल फील्ड है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ वाला विजुअल फील्ड मेरा कम होगा यहाँ पे अंदर कन्वर्ज करने के लिए, ओके। नाउ उसके बाद है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या है, ये देखो बेटा हमारा ये जो सेल है, ये हमारी जो आई है, ऐसे आई होती है, राइट, यहाँ पे हमारा बाहर वाला एरिया होता है प्यूपिल एंड ऑल दैट, यहाँ से हमारे सिलियरी मसल होती है, यहाँ पे हमारा रेटिना होता है, ये हमारा लेंस होता है, राइट। लेंस इज वेरी फ्लेक्सिबल, और ये हमारा प्लास्टिक का तो लेंस है नहीं, ये हमारे ऑर्गन है हमारा, जैसे हमारी स्किन है उस। अभी जो सिलियरी मसल है, दूर खड़ा है कोई भी चीज तो लेंस हमारा पतला होगा या मोटा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा पतला, तो ये मतलब क्या है कि अगर इसको पतला करना है तो इसको खींचना पड़ेगा या लूज छोड़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अब मूवमेंट किसकी हुई, सिलियरी मसल्स की, सिलियरी मसल्स से उसको खींचा पतला किया और इमेज यहाँ पे बनवा दी, इससे हमारे ब्रेन को क्या पता चला कि ये पतला हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है और मुझे फोकस करने के लिए मेरी सिलियरी मसल्स है, मुझे ढीला छोड़ा मेरी आंख के लेंस को, वो मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। सिलियरी मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हुई, मेरा लेंस छोटा हो गया, मोटा हो गया, और वो पास की चीज मेरे फोविया में बनेगी या मेरे रेटिना में बनेगी। मेरे ब्रेन ने क्या कैलकुलेट किया, भैया मेरा लेंस मोटा हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास में,
तो वो उसकी कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो है कैलकुलेशन, जिसे ये एकोमोडेशन कन्वर्जन और रेटिना डिस्पैरिटी के हिसाब से वो 3D में हमारी इमेजेस को कन्वर्ट करता है, वो डेप्थ को देखता है कि कितनी दूर है कितनी पास है। क्लियर, समझ में आ गया? एनी डाउट इन मोनोक्यूलर क्लूज और मोनोक्यूलर क्लूज? वेरी गुड, थैंक यू।